हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स पीओवी बुक का पार्ट 3 जो है ये लॉन्च हो चुका है। अब आप फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स पीओवी बुक का पार्ट 3 परचेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज की जानकारी है और क्या क्या उस बुक्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। अगर आप एक फिल्म राइटर, डायरेक्टर, एडिटर या फिर कैमरामैन, डीओपी या सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप मेरी बुक की मदद से कैमरा शॉट साइजेस, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स और कैमरा फ्रेमिंग को समझ सकते हैं। तो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं या कैमरामैन, डीओपी, सिनेमाटोग्राफर या एडिटर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स पीओवी जो बुक है ये 4 पार्ट्स में है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के लिए और अभी से पार्ट 3 भी अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए। फर्स्ट पार्ट जो उसकी थी उसमें आप लोगों को कैमरा शॉट साइजेस के बारे में बताया गया था, जैसे कि मीडियम शॉट, फुल शॉट, काउबॉय शॉट, वाइड शॉट, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया था, कब कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ होता है, ये सभी चीज़ें आपको बताई गई थी। दूसरी जो बुक है पार्ट 2 वो बेस्ड थी कैमरा एंगल्स पर, उसमें कैमरा एंगल्स के बारे में विस्तार से बताया गया था, हाई एंगल, लो एंगल, आई लेवल, तो ये सभी चीज़ों को बताया गया था, इनका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सभी इसमें बताया गया था। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आप लोगों को कैमरा मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, जब कैमरा से शूटिंग की जाती है तो कैमरा को किस तरीके से मूव किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती है कैमरा मूवमेंट्स की, ये सभी आपको बताया गया है। जैसे कि पैन शॉट के बारे में बताया गया है, विप पैन बताया गया है, फिर डॉली शॉट, बूम शॉट, ट्रैकिंग शॉट, कुछ कुछ नेम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सभी जो कैमरा मूवमेंट्स है ये आप लोगों को इसमें बताया गया है और पूरे विस्तार से बताया गया है, कहाँ कैसे यूज़ करना है, उनका मतलब क्या क्या होता है ये आपको बताया गया है। तो जितने भी कैमरा मूवमेंट्स के टाइप होते हैं ये आपको इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक में यूजुअली एग्जांपल्स के जरिए, इमेजेस के जरिए आपको सारी चीज़ें सिखाई गई है और आप बिल्कुल कैमरा मूवमेंट को आसानी से इसके ज़रिए सीख जाएंगे। इस बुक को लिखने में मुझे ज़रा मेहनत तो लगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैमरा कैसे मूव कर रहा है इसे इमेज के ज़रिए बताना। तो इमेज के ज़रिए मैंने सभी चीज़ों को बताया है कि कैसे कैसे कैमरा मूव कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कैमरा कैसे मूव कर रहा है इसे बहुत दिमाग लगाकर मैंने बुक के रूप में पेश किया है। ये जो बुक है ये आप एक बार परचेज करेंगे तो आप इसे अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे आपको ये बुक हमेशा के लिए मिल जाएगी, आप अपने स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसे हमेशा के लिए पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस बुक की प्राइस की। इस बुक की प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखी है, इस बुक में जो कंटेंट्स दिया गया है उसके हिसाब से प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। इस बुक की प्राइस अभी जो हमने रखी है वो है 100 रुपीज़। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक इस बुक की प्राइस जो है वो थोड़ी बढ़ चुकी हो, लेकिन अभी आज की डेट अगर आप देखें तो आज की डेट में जिस जो वीडियो पब्लिशिंग की डेट है उसको अगर आप देखें तो आज की डेट में बुक की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। तो बुक में जो नॉलेज दी गई है उसके हिसाब से 100 रुपये बहुत ही कम होते हैं, तो आप आसानी से इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इस बुक को पढ़ सकते हैं और कैमरा मूवमेंट्स की जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बुक को परचेस कैसे किया जाए। इस बुक को परचेस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इंस्टा मोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और फिर ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से वहां पर पेमेंट करेंगे, जो ऑप्शंस वहां पर आ रहे हैं, तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको वहां पर डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईबुक है वो डाउनलोड होकर आपके स्मार्टफोन के डाउनलोड फोल्डर में या फिर अगर आपने लैपटॉप से किया या कंप्यूटर से किया है तो उसके डाउनलोड फोल्डर में वो चला जाएगा और आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं और आप हमेशा के लिए पढ़ सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी। अगर आपको लिंक से परचेस करना नहीं आ रहा है तो आप एक आसान तरीके से इसे परचेस कर सकते हैं। आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके फिर आपको बताना है कि आपको ये बुक खरीदनी है, तो फिर आपको वहां पर पेमेंट करने का बताया जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है ऑनलाइन, और उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप पर ही ईबुक को सेंड कर दिया जाएगा। तो आप दो तरीके से परचेस कर सकते हैं। पहला तरीका, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है और वहां पर फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पर ही ईबुक को पा सकते हैं और फिर अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आसानी से उसे पढ़ सकते हैं।
इस बुक की लैंग्वेज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये बुक मैंने रोमन हिंदी में लिखा है क्योंकि रोमन हिंदी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मेरे से कोर्स से जुड़े हुए हैं या फिर वेबिनार से जुड़े हुए हैं, वो लोग इंडिया के तो हैं ही लेकिन इंडिया के बाहर कंट्रीज़ के भी बहुत सारे लोग हैं। बाहर कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं लेकिन अगर उनको रोमन हिंदी में कुछ लिख करके दिया जाए तो एटलीस्ट उसे पढ़कर समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने इस बुक को रोमन हिंदी में लिखा है ताकि इंडिया के लोग तो उसे पढ़ ही पाए, बाहर कंट्रीज़ के लोग भी है वो उसे पढ़ पाए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बाहर कंट्रीज़ में सभी लोगों को रोमन हिंदी आती होगी लेकिन हाँ, चांसेस बनते हैं कि बाहर कंट्रीज़ में कुछ कुछ लोगों को रोमन हिंदी आती है। देखिए, ये बुक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि राइटर्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि राइटर्स जो है वो बहुत बड़े तादाद में डायरेक्टर्स बन जाते हैं और राइटर्स को भी जानकारी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों की टेक्निकल जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि टेक्निकली अगर वो इन चीज़ों को स्क्रिप्ट में लिखेगा तो बिल्कुल उसकी स्क्रिप्ट जो है बहुत ही अच्छी लगेगी और उसके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो राइटर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, DOP, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, इन सब के लिए ये बुक ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और फिर वहाँ पर आपको बुक जो है वो मिल जाएगी। इस बुक की Part 1 और 2 ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं सेम प्रोसेस से और Part 4 जो है वो बहुत जल्द आने वाली है तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, यानी आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, तो इस बुक की Part 4 जो है वो भी आ चुकी होगी। तो आप एक बार सर्च ज़रूर कर लीजिए या हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ज़रूर पता कर लीजिए कि इस बुक की Part 4 जो है वो आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर परचेज़ कीजिए इस बुक को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर पूरे अच्छे से कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये बुक की इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो शेयर अच्छे से कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।